नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 का ग्रैंड फिनाले और ग्रैंड फिनाले एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश के लिए आई दोहरी खुशी, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश जहां सारे के सारे पोल्स में लीड कर रही हैं, तो वहीं ओरमैक्स की लिस्ट में भी नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है तेजस्वी प्रकाश ने। और साथ ही साथ तेजस्वी प्रकाश जो हैं वो विनर भी बनने वाली हैं। अब ऐसे में एकता कपूर, टीवी इंडस्ट्री की क्वीन एकता कपूर ने दिया तेजस्वी प्रकाश को सबसे बड़ा मैसेज। क्या है वो मैसेज, चलिए आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को एक्टिवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले को एक्टिवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि ग्रैंड फिनाले एपिसोड चल रहा है और साथ ही साथ ग्रैंड फिनाले एपिसोड में इस बात का रिविलेशन हो जाएगा कि नागिन सीजन 6 में कौन है इच्छाधारी नागिन, जो कि आप सभी दर्शकों के सामने नजर आएंगे महक चहल के साथ। वो नागिन कोई और नहीं बल्कि है तेजस्वी प्रकाश, और इस बारे में तो आप सभी दर्शकों को बहुत पहले ही हमने जानकारी दे दी थी। अब यहाँ पर एकता कपूर जो हैं अपने आने वाले शो नागिन सीजन 6 को प्रमोट करने के लिए आ रही हैं। अब आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि 6 फरवरी 2022 से नागिन सीजन 6 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी तेजस्वी प्रकाश। 30 जनवरी को ग्रैंड फिनाले होने वाला है। अब आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि एकता कपूर आएंगी और अपने नागिन के चेहरे से पर्दा उठा देंगी कि कौन बनने जा रही हैं इच्छाधारी नागिन, और वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी प्रकाश हैं। और तेजस्वी प्रकाश की तारीफ भी करने वाली हैं। तेजस्वी प्रकाश की जिस तरह से जर्नी रही बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर, उस जर्नी की तारीफ करते हुए नजर आएंगी तेजस्वी प्रकाश की। और साथ ही साथ तेजस्वी प्रकाश को तारीफ करते हुए कहने वाली हैं कि तुम में हर वो विनर क्वालिटीज़ हैं जो कि विनर में एक होनी चाहिए। करण मेरा दोस्त है लेकिन तुमने ज़्यादा प्रभावित मुझे किया है, जिसके चलते नागिन सीजन 6 में भी तुम मुझे नजर आओगे, और साथ ही साथ तुमने बहुत ही अच्छा खेला और मेरे अकॉर्डिंग जो है वो तुम ही विनर हो। ये स्पेशल मैसेज देते हुए नजर आई। एक्चुअली मैं ग्रैंड फिनाले एपिसोड में सेट पर नजर नहीं आएंगी एकता कपूर, लेकिन एकता कपूर जो है ये बड़ा मैसेज जो है देने वाली है तेजस्वी प्रकाश को। वेल, ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। वेल, ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? एकता ने भेजा तेजस्वी प्रकाश के लिए सबसे बड़ा संदेश, जीत का तोहफा, और साथ ही साथ ये सारी की सारी बातें कहते हुए नजर आई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और नागिन सीजन 6 में मुख्य इच्छाधारी नागिन के रूप में आप सभी दर्शकों को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये भी आप हमें बताएं। नागिन सीजन 6 में तेजस्वी प्रकाश का जो किरदार का नाम है, उस किरदार का नाम है वसुंधरा। जी हाँ, ये बात भी आप सभी दर्शकों को एक्सक्लूसिव हमारे न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ को एक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।